बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। आज ही मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम मूंग दाल बनाएंगे जबरदस्त तड़के के साथ, और बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जबरदस्त सी रेसिपी बनाना। ये एक कप मूंग की दाल है और इसे मैंने साफ करके अच्छे तरीके से 2 से 3 बार धो लिया था और मैंने भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो इसमें से पानी निकालेंगे, मूंग की दाल को रेसिपी में डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें एक अदद प्याज है बारीक कटा हुआ स्लाइस में, और एक अदद टमाटर है बारीक चॉप किया हुआ, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। इसमें एक गिलास पानी शामिल कर लेंगे और अब दाल को ढक के गलने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं इसमें कोई मसाला जो है वो शामिल नहीं करूंगी। तो दाल को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, दाल जो है वो तकरीबन जो है वो गल गई है। तो अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे और बाकी की दाल को फिर हम बाद में गला लेंगे। तो मैं आधा चम्मच जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी, आधा चम्मच ही नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई में, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ही गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। हम इन सारे मसालों को जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दाल के साथ। दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, पानी भी जो है वो तकरीबन खुश्क हो जाए। तो हम दाल के गलने तक इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। दाल अच्छे से गल चुकी है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार हो गई है। मूंग की दाल जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको चावलों के साथ दाल खानी है तो आप इसको पतला रखें, और अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो इसको मजीद जो है वो गाढ़ा कर सकते हैं। इमली का पेस्ट है 3 चम्मच, मैं इमली ली थी और उसको भिगो लिया था, ये इसमें शामिल कर लेंगे इमली का पेस्ट, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी जबरदस्त ही मूंग की दाल जो है ये तैयार है। तो अब मैं इसका तड़का तैयार करूंगी। तड़का बनाने के लिए पैन में हम 2 चम्मच के करीब घी शामिल कर लेंगे। घी में हम 1 चम्मच लहसुन है ये शामिल कर देंगे, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 4 लाल मिर्चें साबुत ये डाल देंगे, और ये 2 अदर हरी मिर्चें कटी हुई ये शामिल कर देंगे। तड़का जो है वो तैयार कर लेंगे। तड़का जो है तैयार हो गया, तो हम इसको दाल हमारे तो ये दाल पे जो है वो मैंने तड़का लगा लिया है। बहुत ही जबरदस्त हमारी मूंग की दाल तैयार हुई है। तो ये हमारी जबरदस्त ही मूंग की दाल तैयार है, बहुत ही जबरदस्त बनी है और बहुत झटपट और बहुत आसानी के साथ बन सकती है। आप इसे रोटी के साथ और चावलों के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत जबरदस्त लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई आसान और जबरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।